الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। ये सूरे यूनुस की आयत नंबर 57 और आयत नंबर 58 है जिसकी तिलावत आपके सामने की गई। इसमें अल्लाह ताला ने लोगों को कुरान मजीद के औसाफ बतलाकर उसकी खूबियों को बतलाकर जिन खूबियों की अल्लाह के बंदों को बड़ी ज़रूरत है, बड़ी हाजत है, इसकी खूबियां बतलाकर इसका शौक दिलाया है ताकि अल्लाह के बंदे इस किताब से फ़ायदा उठाएं। इस किताब में जो खूबियां रखी गई हैं उनके लिए जो नफा रखा गया है, जो मसलहतें उनके की इसमें मौजूद हैं उससे वो इस्तेफादा करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो। यहां अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को मुखातब किया है, सिर्फ अहले ईमान को मुखातब नहीं किया है। आदम के तमाम बेटों को और सारे इंसानों को अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया या अय्युहन्नास, ए इंसानों। कद जाअतकुम मौइदतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से वाजो नसीहत आ चुकी है। रब रुबूबियत, जो हमें हमारा पालने वाला है, जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमें जिंदगी अता करने वाला है, जो हमें खाना पीना हर तरह की परवरिश, हर तरह की जरूरियात को जो पूरा करने वाला है, जैसे घर में खानदान में जो परवरिश करने वाला पालने वाला घर का मालिक होता है, रब्बुल उसरा खानदान का जो देख रेख करने वाला होता है, कैसे जरूरत पड़ती है तो वाजो नसीहत भी करता है। तो इस तरह से वाजो नसीहत ये इंसान की पालने की जरूरियात में से एक जरूरत है और अल्लाह ताला ने उसी तकमील की खातिर, जिस तरह से वो रब है और उसने हमारी सारी जरूरतों, हमारे भूख मिटाने के लिए खाने का इंतजाम किया, प्यास मिटाने के लिए पानी का इंतजाम किया और सांस लेने के लिए हवा और ऑक्सीजन का इंतजाम किया और उसके बाद में नस्ल इंसानी के बाकी रहने के लिए जो है मुज़क्कर व मुअन्नस नर और मादा बनाया और उनके अंदर फिर नस्ल का सिलसिला चला दिया अल्लाह ताला ने। तो जो जो इंसानों की जरूरत है सब कुछ को मुहैया करने वाला जो रब है, उसी रब की तरफ से ये कुरान पाक आया है, उसी रब की तरफ से ये वाज़ो नसीहत की किताब आई है। वाज किसको कहते हैं? मौइज़ा, अल्लाह की तरफ से वाज आ गया। अल्लाह की तरफ से नहीं कहा, रब की तरफ से, तुम्हारे पालनहार की तरफ से, तुम्हारे मालिक की तरफ से, तुम्हें सब कुछ अता करने वाले की तरफ से, तुम्हारे मुनीम और मुहसिन की तरफ से वाज है। वाज ऐसी बातों को कहते हैं जो दिलों को नरम करने वाली बातें होती हैं, जिसमें किसी चीज का नतीजा बताया जाता है, उस नतीजा और अंजाम के बयान करने की वजह से जिसमें इंसान को शौक पैदा होता है या खौफ पैदा होता है, तो उसको वाज कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं वाज में तरगीब और तरहीब उसका अहम हिस्सा है, यानी ऐसी चीजें बयान की जाएं जिसकी वजह से कुछ हासिल करने का शौक हो, या ऐसी चीजें बयान की जाएं जिसकी वजह से कोई काम करने से डर महसूस हो, तो ये वाज और तरगीब और तरहीब है। तो पहली सिफत जो कुरान पाक की बताई कि ये वाजो नसीहत वाला कलाम है, ये रब की तरफ से, पालनहार की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से वाज़ो नसीहत है जिसमें हमारे लिए
हमारी भलाई की चीजों को बता दिया गया और हमारे नुकसान की चीजों को बता दिया गया ताकि हम नुकसान वाली चीजों से अपने आप को बचाएं, दूर रहें, उससे गुरेज करें और अच्छी चीजों को अपनाएं जिससे हम फायदा उठाएं, फायदे में रहें, इनाम के मुस्तहिक बने, खैर और कामयाबी जिसके जरिए से हमें मिल सके। तो ये वाज़ो नसीहत का कलाम है, ये पहली खूबी है। उसके बाद बताया वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, और सीनों में जो जो बीमारियां पाई जाती हैं उन बीमारियों के लिए शिफा है। सीनों में बीमारियां कैसी कैसी होती हैं? सीनों की बीमारियां दो बड़ी बीमारी होती है, बाकी सारी बीमारियां इसी के तहत आती हैं। एक बीमारी इल्म की खराबी, दिल में ही जाकर के इंसान के इल्म होता है, इल्म यकीनी, इल्म आंखों के जरिए कानों के जरिए पहुंचता है और दिल में उसका तज्जिया होता है और उसे दिल मानता है या इनकार कर देता है। तो दिल में जो इल्म होता है वो या तो यकीनी होगा या तो शकूक व शुबहात उसके अंदर होंगे। इल्म यकीनी में फसाद होगा, खराबी होगी। तो जो शकूक व शुबहात की बीमारी है वो एक बड़ी बीमारी है, उसकी वजह से कुफ्र पैदा होता है, उसकी वजह से शिर्क पैदा होता है, उसकी वजह से निफाक पैदा होता है, उसकी वजह से अकीदे की बहुत सारी खराबियां जन्म लेती हैं। तो सीने की एक बड़ी बीमारी शकूक व शुबहात की बीमारी है, और अकीदे की दूसरी और दिल की दूसरी बड़ी बीमारी शहवात और ख्वाहिशात की बीमारी है, जिस शहवात और ख्वाहिशात की बिना पर इंसान सच्चाई को नहीं अपनाता, हक को नहीं अपनाता, सही चीज को नहीं अपनाता, बल्कि जो उसकी ख्वाहिश कहती है, जो उसका मन चाहता है, जो उसका दिल चाहता है, वो उसी की तरफ बढ़ता रहता है, चाहे वो उसके लिए नुकसानदेह हो, चाहे उसके लिए फायदेमंद हो, चाहे उसके लिए जरर रसा हो, उसको इससे गरज नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी शहवत और अपनी ख्वाहिश की तकमील से गरज होती है। तो ये दो बड़ी बीमारियां हैं, और इसी शहवात के नतीजे में इंसान के अंदर गुस्सा, हसद और कीना, और इसी तरह से हिर्स, तमा, बुखल और किस्म किस्म की जो दिलों की बीमारियां हैं सब इसी शहवात के नतीजे में आती हैं। चाहे वो शहवात पेट से मुताल्लिक हों, चाहे वो शहवात इंसान की शर्मगाह से मुताल्लिक हों, चाहे वो शहवात रियासत और इख्तदार से मुताल्लिक हों, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म की जो शहवात और ख्वाहिशात पाई जाती हैं, ज़ुय्यन लिन्नास हुब्बुश्शहवात, ख्वाहिशात की मोहब्बत ये इंसानों के लिए बड़ी खुशनुमा चीजें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो औलाद हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो मालो दौलत हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो उसकी सवारियां हों, तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। तो जो शहवात और शुबहात दिल की बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लिए इस किताब में शिफा है कुरान करीम में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, और सीनों में अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं उनकी शिफा इस किताब में है, उसका इलाज इस किताब में है, कुरान करीम में है। और जब दिल का इलाज हो जाए तो फिर बाकी बदन तंदुरुस्त हो जाएगा। दिल ये पूरे बदन का बादशाह है, जब वो सही हो जाता है पूरा बदन सही हो जाता है, जब वो फासिद हो जाता है तो पूरा बदन फासिद हो जाता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि एक हदीस में बड़ी वजाहत के साथ इसे बयान फरमाया है कि दिल सुधरने से बकिया आजा सुधर जाते हैं। तो दिल की इसलाह और दिल का इलाज, दिल की बीमारियों का इलाज इस किताब में कुरान मजीद में मौजूद है। तो दो सिफत हो गई, पहली सिफत वाज़ो नसीहत इसमें है, दूसरी सिफत दिल की बीमारियों का, सीने के अंदर की बीमारियों का इलाज इसमें है। तीसरी और चौथी सिफत फरमाया वहुदम वरहमतुल लिलमुमिनीन, और ये किताब हिदायत है और रहमत है अहले ईमान के लिए। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत हक के इल्म और उसके मुताबिक अमल को हिदायत कहते हैं। हक के इल्म और उसके मुताबिक अमल को हिदायत कहते हैं। और रहमत क्या है? रहमत
हिदायत पर चलने के नतीजे में जो खैर, जो भलाई, जो अच्छा रवैया इंसान को हासिल होता है वो रहमत है। तो हकीकत यह है कि हिदायत ये सबसे बेहतरीन वसीला है रहमत की मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इसमें ज्यादा रास्ता, वसीला, तरीका भी बता दिया गया, मनहज बता दिया गया और मंजिल भी बता दी गई। तो रास्ता और मंजिल दोनों बता दिया गया कि इस कुरान पाक में दोनों चीजें मौजूद हैं, हिदायत हक का इल्म और उसके मुताबिक अमल के लिए क्या चीजों की जरूरत है वो इसमें मौजूद है, और उसके नतीजे में क्या इनामात और खैर इस दुनिया में और आखिरत में मिलने वाले हैं जो इस कुरान पाक को अपनी हिदायत बनाए, उसका भी इसमें जिक्र कर दिया गया। लेकिन बताया साथ में वह हुदम व रहमतुन लिल मुमिनीन, ये किताब हिदायत है और ये किताब रहमत है अहले ईमान के लिए, क्योंकि अहले ईमान ही इससे फायदा उठाते हैं, जो अहले ईमान नहीं होते वो इससे फायदा नहीं उठाते। तो हिदायत तो ये सब के लिए है, हुदल लिन्नास, लेकिन फायदा हिदायत हकीकत में उन्हीं को मिलती है जो इस पर ईमान लाते हैं और जो इससे फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से इस किताब की खूबियां बयान की। इंशाल्लाह अगली आयत पर हम बाद में उसके मानी और मतालिब पे गौर करेंगे। आज के दर्स में इसी पर इक्तफा करते हैं। अकुलु कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्ली ज़म्ब फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।